कांग्रेस 5 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा वो जनता को बताने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से देहरादून कूच कर चुकी है। देहरादून में उनके नुमाइंदे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 22 वर्षों में कांग्रेस और भाजपा एक एक बार करके राज की है, लेकिन उस राज में इस राज का क्या रहा, इस स्टेट का क्या हुआ। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों में घोषणाओं का अंबार लगा दिए हैं, उसे 2 नजरों से देखा जा रहा है। एक तो देखा जा रहा है कि युवा मुख्यमंत्री हैं, और हो सकता है कि युवाओं की सोच के साथ ये युवा प्रदेश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। दूसरा, राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि चुनावी महीना है, वर्ष नहीं है, चुनावी महीना है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, तो यह चुनावी महीना भी हो सकता है, चुनावी मूड में है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखेंगी आरुषि सुंदरियाल जी, युवा हैं, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी युवाओं की बात कर रही है तो एक युवा से ही हम जानेंगे कि सत्यता कितनी है। ये प्रवक्ता है यूथ कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत है आरुषि जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमेशा आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा कि विकास कार्यों के साथ साथ राजनीतिक उस पहलुओं को भी छूते हैं जो लोगों से अनछुआ रहता है। संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन दोनों के साथ हमने आपसे कहा कि आम आदमी पार्टी इस समय इस प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय राजनीतिक पार्टियों में आम आदमी पार्टी को लेकर के है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है, उत्तराखंड में भी सरकार चलाने का दम भर रही है, और यह किस तरह से यहाँ सरकार चलाएगी वह बात रखेंगी वरिष्ठ अधिवक्ता रही हैं, 13 बार नेता हैं, और आपको अभी इस बहस में समझ में आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी कैसे लोगों के माध्यम से अपनी बात को कितनी मजबूती से रख रही है। रजिया बेग जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रजिया बेग जी के पास चलते हैं। रजिया बेग जी, दिल्ली में सरकार चला रहे हैं आप लोग, और नो डाउट वहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं, और पसंद कर रहे हैं तो आप आसपास के प्रदेशों में भी जाना चाहते हैं। पंजाब में भी आपने मेहनत किया और फिर पंजाब में भी जा रहे हैं, इस बार आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी जाना चाहते हैं। हम उत्तराखंड की बात करते हैं, आप जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने इस राज्य में बहुत कुछ देखा भी है और बहुत कुछ दिया भी है, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी भी कुछ इस राज्य को कुछ दे पाएगी? बिल्कुल, मैं आपकी बात में ये कहूँगी कि आम आदमी पार्टी देने की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की तो शुरुआत ही देने से होती है जी। आपने देखा है दिल्ली प्रदेश के अंदर जहाँ लोग तरस थे विकास के लिए, कई तरह से मुद्दे थे, रोजगार के मुद्दे, लोगों के स्कूल के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, तमाम मुद्दे थे दिल्ली के अंदर। और दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ दुनिया की नज़र दिल्ली में होती है, और वो दिल्ली उस समय तक जब तक केजरीवाल जी ने दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठे थे, लोगों ने देखा वहाँ का दर्द, देखा दिल्ली का, और केजरीवाल जी के आने के बाद दिल्ली का विकास आज तमाम हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देख चुके हैं अभी स्कूल के लिए हमारे अमेरिका से जो हमारे पिछले राष्ट्रपति थे उनकी डोटा लाई थी और दिल्ली के स्कूलों को देखकर गई, और उन्होंने तारीफ की उस चीज़ की, और आधा घंटा स्कूल में बैठ के शिक्षा देखी भी और लोगों को पढ़ाने की भी कोशिश की। तो दिल्ली का तो वो हाल है कि आज दिल्ली तमाम तरह के लोगों के लिए, तमाम देशों के लिए एक एग्जाम्पल बन रही है। उत्तराखंड प्रदेश जो आज इस स्थिति में पहुंच चुका है कि लोगों की बद से बदतर हालत हो गई है, लोगों को सांस लेना भी दुभर हो गया है। इन 21 सालों के अंदर जो उत्तराखंड का हाल हुआ है, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है, और जितने दिन से हम लोग काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, तो दिल्ली का मॉडल है उससे भी बहुत आगे बढ़ के उत्तराखंड की परिस्थितियों के हिसाब से काम करने के लिए हम अपने कार्य को प्रगति देंगे। बहुत सही, एक बिंदु आपने जोड़ा कि जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, हम आपके पास लौटेंगे।
और हम जानना चाहेंगे। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति विपरीत है, यहाँ का रहन सहन विपरीत है, यहाँ का हर चीज दिल्ली से विपरीत है। तो दिल्ली का जो मॉडल की बात बार बार करते हैं, उसे उत्तराखंड में कैसे लाएंगे, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। हम चलते हैं आरुषि के पास। आरुषि, पिछले कुछ दिनों हम लोगों ने देखा, एक महीने से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से युवाओं की बात कर रहे हैं, जिस तरह से रोजगार की बात कर रहे हैं, स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ रहे हैं, पर्यटन को युवाओं से जोड़ रहे हैं, किस नजर से देखती हैं आप? देखिए, चुनाव बिल्कुल सर पर है और ऐसे समय में इस तरह की घोषणाएं बड़ी आम सा लगता है कि चुनाव आ रहे हैं तो जी हमने ये काम कर दिया, हमने वो काम कर दिया। पिछले 4.5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया और अब जब चुनाव बिल्कुल सर पर है तब ये कहते हैं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये सिर्फ चुनाव के लिए कर रहे हैं और इस चुनाव में सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के बाद ये फिर से ठंडे हो जाने वाले हैं और ये सिर्फ चुनाव में दिखाने के लिए किया जा रहा है। और जहां तक बात है स्वरोजगार की, तो स्वरोजगार की स्थिति फिलहाल हमारे प्रदेश में कैसी है? इतनी आर्थिक मंदी है, जो लोग ऑलरेडी स्वरोजगार पे बैठे हुए हैं उन्हें ही पता है कि वो अपना घर कैसे चला रहे हैं, वो अपनी दाल रोटी कैसे चला रहे हैं इतनी महंगाई में, और जो स्वरोजगार है वो इतनी आर्थिक मंदी में बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। आज आरुषि करोड़ों रुपए का उन्होंने गिनाया है कि करोड़ों रुपए स्वरोजगार के लिए युवाओं को दिया गया, करोड़ों रुपए का ऋण दिया गया। हाँ। ऋण की जहां तक हम बात करें कि हमारे प्रदेश में पहले भी ऋण दिए गए हैं, लेकिन वो जो ऋण है उसका जो रिकवरी रेशियो हम बात करें तो वो बहुत ही कम है। जो लोन दे दिया वो वापस जल्दी से आता नहीं है और लोन लेने वाले की हालत ये होती है कि वो लोन दे नहीं पाता क्योंकि उसका जो बिजनेस होता है वो नए बिजनेस में इन्वेस्ट तो कर देता है, एक बार वो बिजनेस खोल देता है 4-6 महीने के बाद वो बिजनेस ठंडा पड़ जाता है, उसके बाद ना उसमें काम होता है, उसकी जो अपनी उसमें जो इन्वेस्टमेंट लोन के अलावा लगाई हुई होती है वो भी कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आती है। उसके बाद में जो ये एक अर्थव्यवस्था है, जब आप देख रहे हैं कि इस टाइम पर आर्थिक मंदी है तो स्वरोजगार के सबके ही बुरे हाल चल रहे हैं, तो उसमें स्वरोजगार का कोई इतना सेंस भी नहीं रहता। आरुषि, 4 साल भारतीय जनता पार्टी रही, उसके पहले 5 साल कांग्रेस भी रही, हम उसके पहले नहीं जा रहे हैं। हाँ जी। जो नियुक्तियां आज निकली हैं, जो युवाओं के लिए नियुक्तियों के द्वार आज खोले गए हैं, आपकी सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया इस पर? देखिए, अभी नियुक्तियों के जो द्वार अब खोले गए हैं वो बिल्कुल जब चुनाव सर पर है तब खोले गए हैं। ध्यान तो दिया ना, एक युवा मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए सोचा तो आपके मुख्यमंत्रियों ने, इस तरह तो ध्यान भी नहीं दिया कि भाई युवाओं के लिए या रोजगार की जो यहाँ पे जगहें खाली हैं। जी, इस वक्त जो है हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसने रोजगार बेरोजगारी के मुद्दे में बिल्कुल हमला बोला हुआ है, तो उसको देखते हुए मैं देख रही हूँ कि पहले के टाइम पर बेरोजगारी का इतना ज्यादा मुद्दा नहीं था, इतना ज्यादा परेशानी नहीं थी प्रदेश में जितनी की अब है। अब जो है इसका बेरोजगारी जो हमारा स्तर चल रहा है फिलहाल वो राष्ट्र के बेरोजगारी स्तर से लगभग दुगना के करीब चल रहा है, तो बहुत ज्यादा इस टाइम पे बेरोजगारी है। बेरोजगारी को विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया हुआ है, तो उनको मुझे लगता है वो एक जवाब देने के लिए उन्होंने जो है इस तरह की नियुक्तियों की बात अभी करी है। उसके अलावा जहां तक मैं बात करती हूँ, ये लौटेंगे आपके पास संजीव वर्मा जी, 21 वर्ष इतनी बंपर नियुक्तियां नहीं निकली, और अगर ये निकली है तो कांग्रेस पार्टी इसको क्यों चुनावी नजर से देख रही है? संजय, देखिए, सबसे पहले तो आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जो हमारे युवा नेतृत्व हैं, युवा सोच है, युवा ऊर्जा है जी। और 22,000 नौकरियां पाइपलाइन में आ चुकी हैं, और अगले 3-4 महीनों के अंदर उनकी परीक्षाएं भी हो जाएंगी, और साथ ही पुलिस भर्ती के लिए भी रास्ते खोल दिए गए हैं। इस हिसाब से लगभग 40-50 हजार नौकरियां सरकारी नौकरी युवाओं को बहुत जल्दी मिलने जा रही है। दूसरी बात, स्वरोजगार की जहां तक हम बात करते हैं, होम स्टे एक हमारी इतनी एक जबरदस्त योजना है जिससे एक तरफ पलायन रुकेगा, आदमी अपना घर छोड़ के इसलिए जाता है रोजगार की तलाश में, और बाहर जाके अगर उसको कुछ पैसा मिलता है उतना पैसा अगर उसको घर बैठे अपने परिसर को होटल के रूप में परिवर्तित करके अगर उसको एक अच्छा रोजगार अपने घर पे मिल जाता है तो वो कभी भी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। और दूसरा, देखिए, इससे 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो घर बैठे उसको रोजगार मिल रहा है, एक जो हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी पलायन की समस्या है उसके ऊपर भी धीरे धीरे ब्रेक लगने जा रहा है,
दूसरा, महिला एनजीओस जितने भी हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी पहल करी है। एक तो ऋण में जिस प्रकार से कई बैंक परेशानी खड़ी करते हैं उनको सख्त हिदायत दी गई है, अगर कोई भी अनावश्यक किसी के ऋण में कोई रोड़ा अटकाता है तो उसके ऊपर त्वरित कड़ी कार्यवाही की जाए। सारी चीज संजीव जी, दूसरी बात यह है कि जो महिलाओं को महिला एनजीओ उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण दे रही है सरकार, और 5 लाख के ऋण में 40-50% तक की सब्सिडी है। दूसरा, किसानों को 0% पर हम 2 लाख रुपए तक का ऋण दे रहे हैं। 20 लाख करोड़ का ऋण जो मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ है ना, 20 लाख हजार करोड़ था ऐसी कुछ था, हाँ 20 लाख करोड़ का जो ऋण था उसका क्या हुआ? ऋण का क्या क्या वो आर्थिक पैकेज वो देने वाले थे जनता को, उसका क्या हुआ आप बताएंगे? मैडम पहले तो अपने को दुरुस्त करिए, इस तरह की कोई बात ही नहीं है। 20 लाख करोड़ आप समझते हैं? प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, आपकी प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंस किया है वो हर 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 सेक्टर्स के लिए है। कोरोना काल में हम सेवा करते रहे, पूरे कोरोना काल में हम वैक्सीनेशन दे रहे थे, आप काले काले बैनर लगा के दुष्प्रचार कर रहे थे, आप दुष्प्रचार कर रहे थे कि हमारे बच्चों की वैक्सीन आप विदेश भेज रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में 86 करोड़ वैक्सीन मुफ्त हमारी सरकारें दे रही हैं। उससे ज्यादा वैक्सीन पोलियो की कांग्रेस पार्टी के टाइम पे दी गई है, लेकिन उसका उस तरीके से प्रचार नहीं किया, बैनर पोस्टर लगा लगा के। सत्तर साल लगा दिए आपने, हमने 5-6 महीनों के अंदर ये उपलब्धि हासिल कर ली है। संजीव जी लौटते हैं, आप लोगों को शर्मा नहीं चाहिए, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलने के लिए शर्मा नहीं चाहिए। आपके टाइम पे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर आज ही लौटते हैं आपके पास। संजीव वर्मा जी, देखिए महत्वपूर्ण विषय है तो हम जिस विषय पे उसी पे रहे। बहुत सी चीजें हैं, आप बात कर रहे हैं स्वरोजगार की, आप बात कर रहे हैं पलायन की, आप रोजगार की, आपके मैनिफेस्टो में जो था आपके हाथ में दिखाई दे रहा है उससे मिलता जुलता एक पेपर है। हम आपके मैनिफेस्टो से भी बात करेंगे। आपने मेरे मैनिफेस्टो में बात किया था लोक आयुक्त की, आपने बात की थी रोजगार की, वह कहाँ है? हम लौटते हैं आपके पास आएंगे। रजय बेग जी, मेरा प्रश्न आपसे था जिसका हम जवाब जानना चाहेंगे कि भौगोलिक परिस्थितियां विपरीत है, रहन सहन विपरीत है, यहाँ के लोग बाग विपरीत है, दिल्ली की एकदम विपरीत चीजें हैं, वहां पे आपने सरकार बना लिया, यहाँ पे यहाँ के लोगों के साथ मिलके यहाँ के विचारधारा के साथ कैसे सरकार बना पाएंगे, कैसे उन्हें आप समझा पाएंगे? देखिए मैं आपसे बताती हूँ कि जब कांग्रेस सेंटर में होती है और राज्य में तमाम कांग्रेस के और भी होते हैं, राज्य में सरकारें होती है या भाजपा की सरकारें राज्य में भी होती है, सेंटर में भी होती है, तब वो यहाँ की परिस्थिति से कैसे जूझते हैं? बात होती है सिर्फ नीयत की। आपकी नीयत काम करने की है तो आप कई पत्थरों से भी आप काम निकलवा लेंगे, और आपकी नीयत ही काम करने के लिए। अब मुझे बताइए, आप 2 बारी राज करा कांग्रेस ने, 2 बारी भाजपा ने राज किया, नियत काम करने की नहीं थी तो आज भी हमारे पहाड़ों के गांव जस के तस पड़े हुए हैं, और बदतर हालत ये हुई है कि हमारे पलायन ऐसा शुरू हुआ कि लोग अपना घर खाली करके चले गए। तब तो पहाड़ के लोग बैठे थे, मुख्यमंत्री पहाड़ के थे, दोनों जगह मुख्यमंत्री पहाड़ के थे, और अपने प्रदेश की वो बदतर हालत कर दी उन्होंने। और बात मैं आपको बताती हूँ, आज भी आप देख लीजिए, आप स्वरोजगार की बात आप करने बैठे हैं, क्यों रो रहे हैं आपके हमारे युवा, क्यों रो रहे हैं, क्यों रोजगार आप उसको नहीं उनको मुहैया करवा पाए? आप कहते हैं कि 24,000 आपने कहा सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं,
मैं कहती हूँ कि भाजपा सरकार को आज ही जिस दिन धामी जी ने शपथ ली उस दिन पता चला कि आज इतने 24,000 पद खाली पड़े हुए हैं। और अगर 24,000 पदों का आपको जानकारी थी, फिर आपने 5 साल पहले इन पदों का क्यों नहीं निस्तारण करा? तब आपने युवाओं को क्यों रुलाया? आपको याद होगा कि 2018-19 में पद हमारे यहाँ पे युवा बेरोजगार युवा ने धरना प्रदर्शन करके रखे और आज भी धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। 10 साल कांग्रेस ने सरकार और 10 साल कांग्रेस ने भी किए। कांग्रेस कहाँ क्यों दूध की धुली है? कांग्रेस को पता नहीं था कि हमारे यहाँ इतने सरकारी पद रिक्त पड़े हुए। तब आप दिल्ली में जो है जब पैनल पे बिठाया जाए तो अपनी बारी पे सब बोले, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलती हूँ, किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, सुन लिया करें। तो आप जब आपको कांग्रेस आपको पता था, भाजपा आपको पता थी, फिर आपने उन पदों को आज तक हमारे यूथ को क्यों रुलाया? क्यों रोए हमारे यूथ? और अब जब 3 महीने 4 महीने और अब आचार संहिता लग जाएगी, आप कौन सी घोषणाएं करने जा रहे हैं? ये तब घोषणाएं हुई है भाई साहब जिस दिन केजरीवाल जी ने 19 तारीख को आके घोषणा की रोजगार की कि हम कैसे रोजगार पोर्टल बनाएंगे, कैसे अलग से हम मंत्रालय बनाएंगे, कैसे हम बच्चों को, यहाँ के लोगों ने नहीं सोचा। लेकिन केजरीवाल जी दिल्ली में बैठ के भी सोच रहे हैं कि हम यहाँ बैठे बैठे सारे रोजगार भी मुहैया कराएंगे। पर्यटन का हमारी स्थिति क्या होगी, वो भी एक एक पत्थर को एक एक जगह को हम सुधारेंगे पर्यटन से या जहाँ से भी। अब आप देख लिए कि हमारी जो यात्रा होनी थी, हमारी यात्रा को क्यों रोका? वो रोजगार से जुड़ी हुई थी। और आज अगर आप करने भी जा रहे हैं उस यात्रा को, तो उससे किसी को रोजगार का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो मेरा ये कहना है कि यहीं बैठी सरकार नहीं सोच रही है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल करके दिखाया है, तो यहाँ क्यों नहीं दिखा सकते? सही बात, एकदम सही बात आपने कहा। वही प्रश्न आपने जो प्रश्न छोड़ा वही से मैं उठाता हूँ। आरुषि, अगर आप लोग विरोध कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, तो कुछ तो सीखिए। दिल्ली में जो चीजें उन्होंने की है, चाहे वो शिक्षा का हो चाहे स्वास्थ्य का हो, अगर उस मॉडल को हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, पहाड़ को हम स्वरूप बदलना चाहते हैं, हम यहाँ पे पहाड़ पे रोजगार शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? देखिए, अब चुनाव आ रहे हैं तो हर पार्टी सोच रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत कुछ सोचा है, भाजपा ने भी अब बहुत कुछ सोचा है। अब आम आदमी पार्टी ने पिछले जो है 4 साल में तो हमें शायद नजर नहीं आई है, लेकिन अब जो आते ही वो बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो अब तो चुनाव आ रहे हैं तो सब सोचेंगे। तो अब जो है ये राजनीति में चलता रहता है कि अब चुनाव आ रहे हैं तो सबको लग रहा है कि हम ये अब ये सोच लेते हैं वो सोच लेते हैं, लेकिन पहले से इन्होंने क्या सोचा? मेन बात तो ये भी है ना कि पहले से जब उत्तराखंड में अगर पिछले 4.5 साल से परेशानी थी, कोरोना के टाइम पे आम आदमी पार्टी हमें यहाँ नजर नहीं आई, कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा काम कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आइसोलेशन में थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे था। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार से लेके घरों में राशन से लेके ऑक्सीजन किट से लेके और सिलेंडर का वितरण सबसे ज्यादा निःशुल्क कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है। अरे अरे, आपने तो ड्रामा किया था। 10 फोल्डिंग बेड डाल के आपने 10 फोल्डिंग बेड डाल के पूरे पत्रकारों से उसके फोटो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है। अरे कैसी बातें करते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है, 70 सालों से लूट के खा गए पूरे देश को। आप अपने गिरेबान में झांकिए ना, आपके हाथों नियुक्तियों में भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं लगातार। ये कांग्रेस का कल्चर है मैडम, कांग्रेस का कल्चर है। हरीश रावत कैमरे के सामने बोलते हैं, पांच पांच करोड़ रुपए कमा लेना मैं आंखें बंद कर लूंगा। जीरो टॉलरेंस की सरकार चली है। पूरे साढ़े चार साल हुए हैं, पूरे 4.5 साल जीरो टॉलरेंस की सरकार चली है भारतीय जनता पार्टी की। चलिए आरुषि, बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि 4.5 साल अच्छी सरकार चली है, तो 2 मुख्यमंत्री आपने क्यों बदल दिए साहब? जब सब अच्छा ही चल रहा था तो मुख्यमंत्रियों को क्यों बदल दिया आपने? ये सोचना आपका काम नहीं है। अरे ये पूछना तो है, पूछना तो है साहब, आपसे पूछना। आप ये बताइए हमारे मुख्यमंत्री मैडम, हमारे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस के साथ काम करते रहे, आज भी उनके ऊपर एक तिल भर का भी दाग नहीं है।
तिल भर का भी दाग नहीं है। आपके मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री हरीश रावत जी दो जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हारे हैं। अभी अभी ताजी ताजी कांग्रेस की पंजाब की सरकार गिरवा के आ रहे हैं। आज आज पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया, आज पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। उनकी उपलब्धि ये है संजीव जी, उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड का प्रश्न किया है आरुषि जी ने। आपने कहा कि बहुत अच्छी 4.5 साल सरकार चली है, तो आरुषि जी का एक ही कहना है कि 3 मुख्यमंत्री 5 वर्षों में किस, मतलब कौन सा कारण था कि 3 चेहरा आपको देना पड़ा? एक सीधा सा जवाब बता दो। आप कह दो कि अस्वस्थ थे, आप कह दीजिए कि कोई कारण था, कारण तो बताना पड़ेगा ना। आपके सामने 2 बड़ी पार्टियां पूछ रही है। संजय जी एक बात सुनिए, कांग्रेस के पास, आम आदमी पार्टी के पास, अन्य विपक्ष के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा ही नहीं है ना। हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पे हम आगे आ रहे हैं, विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप अपना बताइए ना, आपकी उपलब्धि बताइए, आपने आज तक किया क्या किया क्या? 70 साल देश को पेश खाया आपने, 70 साल में देश को पेश खाया आपने, 70 साल में देश को पेश खाया आपने, देश को पेश खाया आपने। आर्मी चीफ को गुंडा बोलते हैं आप, आर्मी चीफ को गुंडा बोलते हैं, आर्मी चीफ को गुंडा बोलते हैं, कश्मीर के पत्थरबाजों को महिमा मंडित करते हैं। शर्माने चाहिए, पाकिस्तान परस्ते हैं आप, संजीव जी पाकिस्तान परस्ते हैं आप, आपको शर्म आनी चाहिए। देश को बेच के खा चुके आप, आपके राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों संजीव जी, राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों फैली हुई है, राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों फैली है, दोनों बेल पे हैं। राजीव रजिया बेटी भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में लोकायुक्त को 100 दिन की बात की थी, मुख्यमंत्री आते ही एनएच घोटाले पे सीबीआई की जांच की बात की थी। क्या आम आदमी पार्टी को इनके मैनिफेस्टो की चीजें या जो उनकी घोषणाएं थी वो नहीं दिखाई दे रही है, जो आप नए मुद्दे लेके आ रहे हैं? देखिए, जहां तक बात ये है कि लोकायुक्त की जी, आपने देखा कि जब क्योंकि भाजपा की तो शुरुआत ही वहीं से होती है। अच्छा, आपने बहुत बात की इस बात के लिए कि लोकायुक्त, लोग चिल्लाए कि सरकार बना ली और सेंट्रल में भी बना ली, स्टेट्स में भी बना ली। मैडम देखिए, दिल्ली में आपने भी लोकायुक्त की घोषणा करी थी, आपने भी बनाया नहीं आज तक। मैं बताती हूँ आपको दिल्ली का क्या, आप दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली हमारा स्वतंत्र प्रदेश तो नहीं है। हमारे ऊपर इतने रडार आपने लगाए हुए हैं, इतने रडार आपने लगा दिए हैं कि एलजी को आपने अपने अंडर पे क्या, वहाँ एलजी आपकी बात करेगा, क्योंकि सेंटर में आप है तो आपकी बात करेगा एलजी। हमें आप काम करने नहीं दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसके बावजूद हम जो काम करते हैं दिल्ली में। आप बताइए मुझे कि दिल्ली के अंदर आपने केजरीवाल जी को गद्दी पे बैठते ही जिस तरह से उन्हें काम में हर जगह पे रडार लगाए उनके, वो उन्हीं की काबिलियत थी कि फिर भी वो सारी दुनिया में ऐसा कुछ कर गए, मतलब दिल्ली सरकार को ऐसा बना गए, ऐसे काम कर गए लोगों के लिए कि आप खुद हैरान। आप सुनिए, उन्होंने पूरे दिल्ली प्रदेश को महिमा मंडित कर दिया। लेकिन आप बताइए, वो हमारा काम है, हम करेंगे, हमारी स्वतंत्र सरकार वहां पे नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, लेकिन उत्तराखंड हमारी स्वतंत्र सरकार है। हम यहाँ पे क्या करके चले आ रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, आप हमें आप ही बता दो कि आप क्या करके आ रहे हैं। आप बताइए ना, संजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी समझ से इस राज्य का निर्माण जब उत्तर प्रदेश से अलग हटके हुआ तो रोजगार, पलायन, ये ऐसे मुद्दे थे जिसपे काम करना था, और अगर काम नहीं हुआ है
तो जनता तो पूछेगी। धन्यवाद, देखते रहिए बीएपी न्यूज़।